वर्क सेवन सेव द नेशनल फ्लैग। आइए अब इस नेशनल फ्लैग को सेव करते हैं। देखिए नेशनल फ्लैग को तो मैंने फहरा दिया, अब यहाँ पर क्या है कि एक रस्सी बनाना है। चलिए रस्सी बनाने के लिए हम इस कर्व को लेते हैं। कर्व लिए और कर्व को लेकर के ये देखिए कर्व को ऐसे खींच करके भी कर्व बना सकते हैं, है ना। अंडो क्लिक करते हैं, देखिए कैसे सिंपली हम यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए और माउस लेफ्ट क्लिक दबाए हुए जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं, हमारा कर्व बन गया है ना। अंडो दबाए, अंडो से बैक हो गए। दूसरा देखिए कर्व बनाने का तरीका, ये हम कर्व लिए और यहां से हम सीधा ड्रैग करते हैं। देखिए सीधा जैसा चाहेंगे वैसा ड्रैग किए, ड्रैग करके अब छोड़ देते हैं। अब माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ लाते हैं, लाते हुए यहां पर यू ड्रैग कर्व किए और देखिए दूसरा फिर यहाँ लाए और ला करके यहाँ यू कर्व कर दिए। इस प्रकार से हमने यह एक रस्सी बना दिया जिससे कि यह फ्लैग होस्ट हुआ है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए ये देखिए यहाँ हम पेंट पर क्लिक किए और सेव बटन दाबते हैं और इसका नाम देते हैं FLAG1 Flag 1 और सेव कहाँ हो रहा है, ई का फोल्डर 1 में। सेव बटन दाबते हैं, हमारा यह सेव हो गया। कर्व का उपयोग कैसे करते हैं एक बार फिर से देखिए, ये कर्व है, कर्व लिए, कर्व कैसे बनाते हैं। देखिए ये लाइन लिए, कर्व लिए और सीधा एक लाइन ड्रैग कीजिए, ठीक है, सीधा एक लाइन ड्रैग किए और जहां से कर्व करना है वहां पर जाइए, माउस को लेफ्ट क्लिक दबाए हुए उसे कर्व कसते हैं। देखिए माउस मैंने छोड़ दिया है, अब फिर मैं एक कर्व इसे एक बार इसे और कर्व कर सकता हूँ, दो बार कर्व कर सकते हैं, तीसरा बार नहीं। फिर देखिए मैं यहां से आकर इस तरह से कर्व कर दिया। देखिए पुनः बताते हैं, एक लाइन देखिए मैं ड्रैग किया सीधा कर्व से, ये कर्व टूल लिए हुए और सीधा लाइन मैंने ड्रैग किया। अब देखिए यहां पर मैं माउस को छोड़े हुए आता हूँ, अब माउस का मैं लेफ्ट क्लिक दबाता हूँ, दबाए हुए देखिए जैसे चाहेंगे ना वैसे यह इलास्टिक रबर की तरह मूव करता है। यहाँ इस तरह से लाकर छोड़ दिए और अब यहाँ आते हैं, माउस अब छोड़े हुए और यहाँ आए लेफ्ट क्लिक दबाए हुए, अब दबाए हुए जैसे चाहेंगे इसे हम कर्व कर सकते हैं। है देखिए इसे यू कर्व कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग कर्व का प्रयोग करते हैं।